हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म के गाने और ट्रेलर पहले से ही रिलीज हो चुके हैं। फिल्म में एक्शन भी भरपूर नजर आ रहा है। शाहरुख खान की फिल्म को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि ये बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली है। इसका इशारा मिलता भी नजर आ रहा है। फिल्म के अमेरिका में पहले दिन के टिकट कलेक्शन का आंकड़ा आ गया है। ये नंबर फिल्म के लिए गुड न्यूज लेकर आ रही है। अमेरिका में पठान की पहले दिन की टिकट बुकिंग लगभग 2.4 करोड़ रुपए की रही है। इस तरह उम्मीद की जा सकती है कि फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। वैसे ही फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ना बेहद जरूरी है। जहां शाहरुख खान की 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी हो रही है, तो वहीं उन्हें एक हिट फिल्म की भी दरकार है। दीपिका पादुकोण को भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का स्वाद चखना है। ऐसा ही कुछ जॉन अब्राहम के लिए भी है। वहीं यशराज फिल्म्स के लिए भी पठान बहुत ही अहम है, क्योंकि उनकी पिछली 2 फिल्म शमशेरा और जयेश भाई जोरदार बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है। अगर पठान के बजट की बात करें तो ये लगभग 250 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है। इस तरह फिल्म के बड़े बजट होने की पूरी उम्मीद नजर आई और इस बॉक्स ऑफिस पर इन आंकड़ों की लगभग 2 गुनी कमाई करनी होगी, तभी यह फायदे का सौदा साबित होगा। इस तरह पठान के साथ शाहरुख खान की स्टार पावर भी टिकी हुई है। 1 महीने में दमदार रहा अवतार 2 का प्रदर्शन। दुनिया भर में बजा अवतार 2 की कामयाबी का डंका। जी हाँ, हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उनका ऐसे ही दिग्गज फिल्म मेकर्स में शुमार नाम नहीं है। कैमरून की अवतार द वे ऑफ वॉटर ने दुनिया भर में अपनी शानदार कमाई से हर किसी को प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, अवतार 2 ने भारत में भी दमदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर कई रिकॉर्ड कामयाब किए हैं और 16 जनवरी को अवतार द वे ऑफ वॉटर को रिलीज हुए पूरा 1 महीना हो गया है। ऐसे में आइए अवतार 2 की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े आपको बता देते हैं। भारत में अगर किसी भी हॉलीवुड फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई के बारे में बात की जाए तो अब वो अवतार द वे ऑफ वॉटर बन चुकी है। इससे पहले मार्वल यूनिवर्स की सुपरहिट फिल्म एवेंजर्स एंड गेम एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म थी जिसने इंडिया में सबसे ज्यादा 358 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। ऐसे में अब रिपोर्ट की माने तो 31वें दिन अवतार द वे ऑफ वॉटर ने इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जिसकी बदौलत अवतार 2 का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 386 करोड़ के पार पहुंच गया है। मालूम हो कि अवतार द वे ऑफ वॉटर सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि साउथ की अन्य भाषाओं में भी दर्शकों के दिलों को आसानी से छू रही है। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 में जीत के बाद साउथ की फिल्म RRR ने देश को फिर से प्राउड कराया है। फिल्म में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में भी इतिहास रच दिया। दरअसल फिल्म मेकर SS राजमौली की मैग्नम ऑप्स फिल्म RRR ने अब बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और नाटू नाटू के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता है। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा गया है, @RRR मूवी की कास्ट और क्रू को बधाई। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए #क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के विजेता #क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जूनियर NTR और रामचरण स्टार फिल्म के नाचू नाचू गाने के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी अपने नाम किया है। और ऐसी ही मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।